नमस्कार मित्रों, देसे ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 6th चैप्टर, जिसका नाम है लैंड यूज। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में यहां तक हुआ था, अब आगे। कैन यू टेल, एग्जामिन द पाई चार्ट शोइंग लैंड यूज इन फिगर 6.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर लैंड यूज इन जापान इन 2011 एंड लैंड यूज इन इंडिया इन 2011 ये दिखाया गया है। ये स्टडी करके हमें बताना है। देखिए, येलो कलर जो है वो सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर लैंड है, ये वाली परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए ये वाली है रेड कलर की। फिर फॉरेस्ट वाली लैंड जो है वो ग्रीन कलर की है। परमानेंट पास्चर्स जो है चरवाने के लिए वो ब्लू कलर में है, और जो अदर्स है वो ब्राउन कलर में है। वो तो चलिए एक एक प्रश्न के उत्तर देते हैं। इन विच कंट्री इज द लैंड अंडर फॉरेस्ट मोर, कौन से देश में फॉरेस्ट वाली भूमि अधिक है? तो उसका आंसर है, देखिए जापान में 68.5 है, भारत में 23.1 है, तो 68.5 जापान में अधिक है। जापान। इन विच कंट्री इज द लैंड अंडर एग्रीकल्चर मोर, एग्रीकल्चर के लिए कौन सी अधिक है? देखिए, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर ये है 52.8, यहाँ पर 11.7 है। यहाँ पर परमानेंट एग्रीकल्चर वाली जो है 4.2 है, यहाँ पर केवल 0.8% है। तो इसका आंसर है इंडिया में अधिक है, इंडिया इज द आंसर। कंसिडरिंग द टू क्वेश्चन अबव, हाउ विल यू रिलेट द फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड जापान विद देयर रिस्पेक्टिव लैंड यूजेस, ये देखकर हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? देखिए, भारत में प्लेन जमीन बहुत है, उसके कारण प्लेन्स है, रिवर्स बहुत है, मानसून बारिश होती है काफ़ी, उसके कारण भारत में जो है एग्रीकल्चर के लिए मुख्यतः यूज़ किया जाता है भारत की भूमि का। लेकिन जापान में जो है माउंटेनियस रीजन अधिक है, ठीक है, माउंटेनियस है ज़्यादा वहाँ पर, और फॉरेस्ट भी बहुत है, उसके कारण वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरिलेट देयर लैंड यूज एंड डेवलपमेंट, देखिए मुख्यतः जो अंडर डेवलप्ड देश होते हैं, कम डेवलप्ड देश होते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा ज़मीन यूज़ किए जाते हैं। भारत जापान से कम डेवलप्ड है, तो उसके कारण भारत में एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जापान में एग्रीकल्चरल लैंड जो है काफ़ी कम है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जापान है वो डेवलप्ड कंट्री है, भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। विच लैंड यूज इज फाउंड इन जापान, कौन सी लैंड यूज जापान में ज़्यादा पाई जाती है? देखिए, ज़्यादा फॉरेस्ट के लिए है, ठीक है, एंड अदर्स। फिर उसके बाद कंसिडरिंग द लैंड यूज इन बोथ द कंट्रीज मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंड यूज, कौन से फैक्टर्स? मैंने अभी अभी आपको बताया, भारत में फर्टाइल लैंड काफ़ी है, क्लाइमेट भी अच्छा है, मानसून है, ठीक है, प्लेन ज़मीन है, उसके कारण जो है भारत में एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप हुआ। वही जापान में टेक्निकल एडवांसमेंट ज़्यादा हुई है, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, और गवर्नमेंट की मतलब शासकीय नीतियाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी रही है कि वहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो ऐसे हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। यू मे हैव रियलाइज दैट इन डिफरेंट कंट्रीज द परसेंटेज अंडर वेरियस लैंड यूजेस डिफर, हमने ये पाई चार्ट जब देखा इससे हमें अंदाजा आता है कि अलग अलग देश में परसेंटेज अंडर मतलब भूमि का उपयोग कहाँ पर कैसा किया जा रहा है वो देश के अनुसार बदलते रहता है। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इट्स क्वालिटी एंड नीड्स लैंड यूज टाइप्स वेरी, एक देश में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं वहाँ पर लोगों की क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, वहाँ पर लोगों की आवश्यकताएं क्या है, फिर उसके अनुसार जो है लैंड यूज़
बदल सकता है. इन जापान फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज मोर एंड द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर परमानेंट एग्रीकल्चर इज वेरी लो. जापान में जो है फॉरेस्ट वाली भूमि सबसे अधिक है और जो परमानेंट एग्रीकल्चर वाली है वो कम है. एज कंपेयर टू दैट इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज लो वाइल द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर परमानेंट एग्रीकल्चर इज हाई. उसके कंपेरिजन में भारत में फॉरेस्ट में जो जमीन है वो कम है लेकिन जो परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है वो अधिक है. ओनरशिप ऑफ लैंड एंड ओनरशिप राइट्स. व्हाट काइंड ऑफ लैंड यूज इज शोन इन फिगर 6.2 एंड 6.3. 6.2 और 6.3 देखिए इसमें जो दिखाया गया है ये किस तरह की जमीन है ये पूछा गया है. तो यहां पर ये 7-12 है. क्या होता है आपको आगे पता चलेगा. एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दो तरह की भूमियां दिखाई गई है. ठीक है, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर. कैन यू टेल इन विच एरिया द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड. देखिए 6.2 का जो है वो पारनेर तालुका गांव वड़जीरे जिला अहमदनगर यानी एक गांव है छोटा रूरल एरिया है ये रूरल. और ये जो है 6.3 में दिखाया गया ये कौन सा है देखिए मुलुंड भांडुप यानी जिला मुंबई उपनगर यानी ये एक अर्बन एरिया है. ठीक है तो ऐसे इसका आंसर है 6.2 जो है वो रूरल में है 6.3 जो है वो अर्बन. ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन 7/12 एक्सट्रैक्ट आपने सुना होगा 7/12 कहते हैं उसे. अंडर लैंड यूटिलाइजेशन वी हैव सीन हाउ लैंड इज पुट टू डिफरेंट यूजेस. हमने लैंड यूटिलाइजेशन में देखा है कि भूमि का अलग अलग उपयोग कैसे किया जाता है. द ओनरशिप ऑफ लैंड कुड बी प्राइवेट और पब्लिक. जो स्वामित्व होता है भूमि का यानी मालिकियत या तो प्राइवेट हो सकता है कि ये किसी एक व्यक्ति के नाम पर हो सकती है या फिर पब्लिक यानी सार्वजनिक हो सकता है सरकार के नाम पर हो सकती है. लैंड रजिस्ट्रेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज डन अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये सब आता है लैंड का रजिस्ट्रेशन मतलब उसको रजिस्टर करना अगर किसी के मतलब उसका मालिक बदलना है किसी दूसरे के नाम पर करनी है जमीन तो ये सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है. ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड लैंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द 7/12 एक्सट्रैक्ट 7/12 एक्सट्रैक्ट. सारी इंफॉर्मेशन एक जमीन के टुकड़े से रिलेटेड जो होती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर आप 7/12 के कागज पर देख सकते हैं. लेट अस गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. वन कैन गेट टू नो अंडर हुज ओनरशिप द लैंड इज फ्रॉम द 7/12 एक्सट्रैक्ट. किसके नाम पर है ये जमीन एक जमीन का टुकड़ा है तो वो किसके नाम पर है ये हम देख सकते हैं 7/12 उसमें लिखा हुआ होता है. द एक्सट्रैक्ट इज अ रिकॉर्ड केप्ट बाय द पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट. ये पूरा रिकॉर्ड नोंद रखी हुई होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास सरकारी डिपार्टमेंट. सीरियल नंबर 7 and 12 आर द डिस्टिंक्टिव सेक्शंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द ओनरशिप ऑफ लैंड. अलग अलग लॉज है हमारे लॉज में कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें से सीरियल नंबर 7 और सीरियल नंबर 12 ये लॉ के अलग अलग सेक्शंस है यानी विभाग है उस अधिनियम के तो उसके अनुसार उसका नाम 7/12 है. द 7/12 एक्सट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ मिरर अबाउट द लैंड. उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ होता है कौन से जमीन किसके नाम पर है वगैरह. दिस इज बिकॉज जस्ट बाय रीडिंग द एक्सट्रैक्ट सिटिंग इन वन प्लेस वन कैन देखिए गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पीस ऑफ लैंड विदाउट एक्चुअली गोइंग देयर. अगर एक कागज पर देखते हैं आप तो वो जमीन का टुकड़ा किसके नाम पर है कितना उसका ये है ये सब आप देख सकते हैं वहां पर एक्चुअली जाने के कोई आवश्यकता नहीं है. द रजिस्टर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द ओनरशिप राइट्स ऑफ द फैमिली स्टेटस ऑफ डेट्स लोन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स. इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ होता है कि इसके नाम पर है जमीन उसका फैमिली
का नाम क्या है, मतलब कितना कर्जा है उस उनके ऊपर, ऋण कितना है, जमीन मतलब जमीन को तारण पर रखकर, गिरवी रखकर कितना लोन लिया है, फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब पहले किसके नाम पर थी जमीन, फिर बाद में किसके नाम पर आई, अभी किसके नाम पर है ये, और अभी मतलब कौन सा क्रॉप वो लगाया हुआ है वहां पर, ये सब लिखा हुआ होता है। विलेज फॉर्म नंबर 7 एंड विलेज फॉर्म नंबर 12 आर कंबाइंड टू प्रिपेयर एज 7/12 एक्सट्रैक्ट, हेंस इट इज टर्म एज 7/12 एक्सट्रैक्ट। तो विलेज का विलेज फॉर्म नंबर 7 और विलेज फॉर्म नंबर 12, इन दोनों को मिलाकर 7/12 बनाया जाता है, उसके कारण उसे कहा जाता है 7/12। दीज विलेज फॉर्म्स आर अवेलेबल विद द तलाटी ऑफ एवरी विलेज फॉर लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन पर्पजेस। तो ये तलाटी नाम का एक पद होता है, वो हर एक गांव में होता है तलाटी, तो उनके अधिकार में आता है, उनके पास होते हैं ये। हाउ इज द 7/12 एक्सट्रैक्ट रेड, कहाँ कैसे पढ़ा जाता है? देखिए, ऑक्यूपेंट क्लास 1 मीन्स द लैंड ओवर विच ओनरशिप राइट्स आर अवेलेबल थ्रू जनरेशंस, दिस इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखिए, ऑक्यूपेंट क्लास नंबर 1, देखिए ये है 7/12, ये 7, ये नंबर 7 है, गांव नमूना 7, यानी ये 7 फॉर्म नंबर है। तो देखिए, ऑक्यूपेंट क्लास का मतलब होता है, यहां पर लिखा है देखिए, भोगवटादार वर्ग, इसका मतलब इंग्लिश में होता है ऑक्यूपेंट क्लास। अगर ऑक्यूपेंट क्लास 1 लिखा है यानी भोगवटादार वर्ग 1, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उनके वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी है, मतलब पुश्तैनी जमीन है, वो उनके पूर्वजों द्वारा आई है, पहले उनके पिताजी थे, फिर उनके पर दादाजी वगैरह ऐसे, वो पूर्वजों से आई हुई जमीन है, ऐसा मतलब होता है अगर भोगवटादार वर्ग 1 लिखा है, ऑक्यूपेंट क्लास 1 लिखा है तो। ठीक है, यहां पर तो इसका मतलब यह होता है। अगर दूसरा है ऑक्यूपेंट क्लास 2 लिखा है भोगवटादार वर्ग 2, मीन्स द लैंड गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस पीपल, इसका मतलब ऑक्यूपेंट क्लास 2 अगर होता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो जमीन है, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भूमिहीन लोग जो है, जिनके पास जमीन नहीं थी एंसिस्ट्रली, पूर्वजों से कोई जमीन नहीं मिली उन्हें, उनके उनको शासन द्वारा ये भूमि दी गई है उन्हें, अगर है तो उसका मतलब ऑक्यूपेंट क्लास 2 भोगवटादार वर्ग 2 ऐसा लिखा जाता है। सच लैंड कैन बी सोल्ड, लीज, प्लेज्ड, गिवन एज चैरिटी फॉर द और ट्रांसफर्ड ओनली विद द सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ऐसी जो जमीन है जो ऑक्यूपेंट क्लास 2 में आती है, मतलब सरकार ने दी है किसी को, गरीब लोगों को, तो ऐसी जमीन केवल और केवल जिलाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके परमिशन के बाद ही उसे या तो बेचा जा सकता है, किसी को भाड़े से दिया जा सकता है, किसी को दान दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर लोन लिया जा सकता है उस जमीन से, कलेक्टर की परमिशन लगती है, नहीं तो नहीं हो सकता। फिर बिलो दैट अंडर असेसमेंट द अमाउंट ऑफ टैक्स लेवीड ऑन द लैंड इज गिवन इन रुपीज पैसे। देखिए, असेसमेंट यानी इसमें देखिए यहां पर जो है, देखिए यहां पर आकार, ये आकार मतलब असेसमेंट होता है, आकार आने पैसे मतलब कितने पैसे कितने रुपए, ऐसा है, पहले आने यूज किए जाते थे। तो देखिए, आकार यानी असेसमेंट मतलब उसमें उस जमीन पर कितना टैक्स लगाया गया है वगैरह, वो लिखा हुआ होता है। इन अदर राइट्स द नेम्स ऑफ अदर जॉइंट होल्डर्स आर इंक्लूडेड, दिस ऑल्सो शोज द स्टेटस ऑफ लोन्स टेकन फॉर एग्रीकल्चर एंड वेदर दे हैव बीन रीपेड और नॉट। अदर राइट्स मतलब इतर अधिकार या इतर हक इसमें लिखा है, देखिए दिखाता हूं मैं आपको, देखिए इतर अधिकार यहां लिखा है ना, ये मतलब अदर राइट्स, तो इसमें ये लिखा होता है कि बाकी किसके नाम पर है जमीन, दूसरे कौन जॉइंट मालिक है उसके साथ, कितना लोन लिया गया है और क्या वो लोन वापस किया है कि नहीं वगैरह, ये सब लिखा जाता है। प्रॉपर्टी कार्ड, ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इज रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी कार्ड। प्रॉपर्टी कार्ड पर क्या होता है, जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, देखिए ये मालमत्ता पत्रक यानी प्रॉपर्टी कार्ड, तो ये जो है वो ये जो है 7/12 ये इसके लिए होता है, खेती की जमीन के लिए होता है, फार्मिंग लैंड के लिए होता है। और ये जो होता है मालमत्ता पत्रक यानी प्रॉपर्टी कार्ड, ये किस लिए होता है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती के अलावा दूसरे कामों के लिए अगर यूज किया जा रहा है वो भूमि का, तो उससे प्रॉपर्टी कार्ड होता है उसका। दिस डॉक्यूमेंट शोइंग ओनरशिप राइट्स एंड एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल फ्रॉम अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स में ये होता है, देखिए ये ठीक है। इट हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सिटी सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, अमाउंट ऑफ टैक्स, एरिया ऑफ प्रॉपर्टी एसेस, राइट टू एक्सेस एटसेट्रा। मतलब यहाँ पर पूरा लिखा हुआ होता है, प्लॉट नंबर, अंतिम प्लॉट नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है, अमाउंट ऑफ टैक्स मतलब कराची रकम, फिर एरिया ऑफ प्रॉपर्टी एसेस मिलकती से क्षेत्रफल जिसे कहते हैं, राइट टू एक्सेस वहीवाटी से हक ऐसा कहा जाता है, वो उसमें लिखा है आप देख सकते हैं, तो ये सब उसमें लिखा हुआ होता है। कैन यू टेल, गिव द आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 6.4। 6.4 ये जो डायग्राम है उसमें देखकर हमें आंसर्स देने हैं इस क्वेश्चन के। विच आर द लैंड यूजेस ऑफ 1990-91 दैट शो अ डिक्लाइन इन 2010-11, व्हाट कुड बी रीजंस फॉर दिस। देखिए कौन से जमीन जो है जिसका यूज, देखिए ये जो ब्लू कलर है वो है फॉरेस्ट, रेड कलर जो है वो है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जो ग्रे कलर है वो है पास्चर, ब्राउन कलर है अदर नॉन एग्रीकल्चरल, फिर वॉयलेट कलर जो है वो फैलो लैंड, और ग्रीन कलर जो है वो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड। तो हमें देखना है कि ये 1991 का है, ये 2001 का है, 2010-11 का है, तो यहाँ पर परसेंटेज दिखा है कौन सा कितना परसेंट कौन सा किस लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है अदर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो है ये ब्राउन कलर का ये कम होते जा रहा है, पहले ये 10% था, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो इसका जो आंसर है पहले क्वेश्चन का, अदर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड और टोटल एग्रीकल्चरल लैंड भी कम होते जा रही है। देखिए ये पहले थोड़ा ऊपर था, ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर और थोड़ा सा, ये थोड़ा कम है लेकिन ये बहुत कम होता गया है, ठीक है। विच टाइप ऑफ लैंड यूज इज मैक्सिमम, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन इंडियाज एनवायरमेंट। देखिए एग्रीकल्चरल लैंड सबसे ज्यादा है, उसके कारण एनवायरमेंट पर मतलब वन जंगल कम होता जा रहा है, उसके कारण हमारे वातावरण पर पर्यावरण पर बुरा परिणाम हो सकता है, ठीक है। कैन अ डिक्लाइन इन एरिया अंडर एग्रीकल्चर बी इक्वेटेड विथ अ फूड शॉर्टेज। अगर एक एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड अगर कम होते जा रही है तो इसका मतलब क्या वहां पर फूड शॉर्टेज हो रहा है, क्या अन्न की कमी हो रही है, ऐसा होता है क्या, ऐसा पूछा है, तो ऐसा नहीं है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रही है तो फूड शॉर्टेज हो रहा है ऐसा नहीं होता, क्योंकि बार बार साइंटिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करवा के कम एरिया में ज्यादा अनाज का प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है, मतलब एक ही क्रॉप में ज्यादा अनाज आएगा, ऐसे रिसर्च करके ऐसे क्रॉप्स डेवलप करते हैं, ऐसी प्रजातियां, तो उससे एरिया भले ही कम हो जाए लेकिन प्रोडक्शन एक तो उतना ही रहेगा या फिर बढ़ता जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज, कौन से फैक्टर्स पर लैंड यूज डिपेंडेंट होता है, रूरल लैंड यूज, अर्बन लैंड यूज। रूरल लैंड यूज किस पर डिपेंडेंट होता है, क्लाइमेट, वहां पर वातावरण कैसा है, बारिश कैसी होती है, रेगुलर होती है, बहुत ज्यादा होती है, कम होती है, फिर सॉइल, जमीन कैसी है, मतलब फर्टाइल है, इनफर्टाइल है वगैरह, अच्छा सुपीक है या नहीं, टाइप ऑफ स्लोप कैसा है, वहां पर बहुत ज्यादा मतलब इंटेंस स्लोप है तो वहां पर कोई क्रॉप नहीं आ पाएगा क्योंकि पानी रुकेगा नहीं, अगर मॉडरेट स्लोप है तो क्रॉप्स आ सकेंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज, क्या वहां पर सिंचन सुविधा है, यानी धरण वगैरह से जुड़ा हुआ है, डैम वगैरह से, कैनाल से वगैरह, तो वहां पर अच्छा मतलब खेती की जा सकती है। नेचुरल रिसोर्सेस,
मतलब कौन से नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर है, क्या वहाँ पर क्रॉप्स यूज किए मतलब प्रोड्यूस किया जा सकते हैं, तो वो एग्रीकल्चर होगा। अगर मिनरल्स होंगे तो माइनिंग की जाएगी ऐसे। अगर फॉरेस्ट है वहाँ पर तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे गोंद मतलब डिंक वगैरह, गम वगैरह प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी है, सरकार की शासकीय नीतियाँ कैसी है, और फिर अर्बन लैंड यूज किस पर डिपेंडेंट होता है, लोकेशन एंड साइट किस स्थान पर है, क्या वो रेलवे स्टेशन से करीब है, क्या वो बस स्टैंड से करीब है, क्या वो एयरपोर्ट से करीब है, तो ये देखकर उसका यूज़ किया जाता है। फिर नेचुरल रिसोर्सेस कैसे है वहाँ पर, हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज कैसी है, क्या वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है वगैरह। ट्रांसपोर्टेशन रूट्स कैसे है वहाँ पर, रोड कैसा है, कितने फीट वाइड है वो रोड, रेलवे लाइन है क्या वहाँ पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या, मतलब वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह है क्या बहुत ज़्यादा, ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ पर क्या बिजनेस से रिलेटेड कुछ महत्व है क्या, प्ले ग्राउंड एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज वहाँ पर, अगर प्ले ग्राउंड है, स्टेडियम वगैरह है, स्विमिंग पूल है, तो थिएटर है, मल्टीप्लेक्स वगैरह, तो वहाँ पर और मतलब डेवलपमेंट हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों इसमें हैं, तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होती है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये फिगर पाई चार्ट देखकर हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, देखिए एरिया अंडर क्रॉप्स ये है 56.8, मतलब लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज 56.8%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैरन लैंड, बैरन लैंड जो है वो फैलो लैंड 8.3%, ठीक है। फिर है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र स्टेट का है, एरिया अंडर फॉरेस्ट ये रहा 16.9%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इन महाराष्ट्र, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड एन ए देखिए ये रहा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 10.2%, ठीक है। तो ऐसे है, गिव इट अ ट्राई। देखिए ये इन द फिगर शोइंग अ सैटेलाइट इमेजेस ऑफ मुंडा विलेज, तालुका हिंगणा, डिस्ट्रिक्ट नागपुर, फाइंड आउट द चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न ओवर टाइम एंड राइट अ नोट। देखिए ये जो है मुंडा गांव का मैप है, 2003 में यहाँ पर पूरी खेती थी सारी, 2010 में थोड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी, 2017 में और बिल्डिंग्स बनने लगी, ठीक है। तो इससे आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, इससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।